हल्द्वानी के बधु पार्क में युवा एकता मंच का भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार से भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग बेरोजगार युवा कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सरकार ने नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के लिए बनाया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पहला ही केस उस युवा के ऊपर दर्ज किया गया है जो पटवारी पेपर लीक होने की आशंका जता रहा था। इसके अलावा जो है देहरादून में जो घटना हुई वह निंदनीय है और अभी तक युवाओं पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। जो युवा अपने और लाखों बेरोजगारों के हक की लड़ाई कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत भी नहीं दी जा रही है, लेकिन हाकम सिंह जैसे लोग जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, पेपर लीक करवाए, उन्हें जमानत दी जा रही है। बेरोजगारों की एक ही मांग है कि सरकार सीबीआई जांच करवाए और उसके बाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराए। उत्तराखंड युवा मंच ने साफ किया है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो बेरोजगार एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। प्रदेश के युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो चुका है, प्रदेश के युवाओं को जेल में भरा जा चुका है, जो निर्दोष छात्र हैं उनके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं और हाकम सिंह को बेल भी हो चुकी है। बड़ा दुख का विषय है और आज छात्र जो हैं बेचारे वो बेल के लिए तरस रहे हैं मगर हाकम सिंह रोज बेल ले आ रहे हैं। हमारा सरकार से अभी भी यही कहना है कि छात्रों के धैर्य से आप मत खेलिए, छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। जल्द से जल्द कड़े से कड़े तरीके से आप सीबीआई को लागू कीजिए और जो आगामी परीक्षाएं हैं वो तब तक न करवाई जाए जब तक सीबीआई के जांच। भैया, जो देहरादून में 9 तारीख को वो बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए खास तौर से बड़ा काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के जो शांति प्रकार से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस प्रकार से पुलिस वालों ने बब्बरता से मारा पीटा उनको और पत्थर चलाया उनके ऊपर और झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, ये उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ।